बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल की सियासत से जुड़ी हुई खबर है कि नहीं रहे कांग्रेसी नेता जीएस बाली। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। लंबे अरसे से अस्वस्थ चल रहे थे, बीमार चल रहे थे। वीरभद्र सिंह के बाद जीएस बाली का ही दबदबा था। नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र से लगातार चुनाव लड़ रहे थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जीएस बाली नहीं रहे कांग्रेस की हिमाचल की सियासत के लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर वीरभद्र सिंह के बाद जो बड़े कद्दावर नेता थे जीएस बाली, उनका निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। हमारे संवाददाता विचित्र हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। विचित्र, क्या कुछ अपडेट? देखिए कुसुम, बिल्कुल ये बहुत दुखदायी खबर है हिमाचल प्रदेश के लिहाज से, और एक बहुत बड़े सियासत के सुरमा जो है वो आज इस दुनिया से रुखसत कर गए हैं हिमाचल प्रदेश से। जीएस बाली का यूं आकस्मिक और अस्थायी चले जाना जो है वो सियासी गलियारों में बेहद दुखद और शोक की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। आज आल सुबह ही उनके जो सुपुत्र हैं जो रघुवीर बाली हैं, उनकी ओर से आपने सोशल प्लेटफॉर्म पर, आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है वो इस बात की जानकारी दी गई है कि आप उनके जो पिताजी हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनका इलाज जो है वो एम्स में चल रहा था और आज देर रात को जो है उन्होंने अंतिम सांस लिया, और बाकायदा उन्होंने अपील की है हिमाचल प्रदेश की जनता से कि वो इस शोक की घड़ी में, दुख की घड़ी में जो वो धैर्य बनाए रखे हैं। मैं कुसुम आपको बता दूं कि ये जो जीएस बाली थे, उनका एक अपना एक अलग रसूख था सियासत में भी और हिमाचल प्रदेश की विपक्षी दलों में भी और अपने दल में भी। उनकी अगर हम बात करें तो उनका जो जन्म था वो 1954 में हुआ था। 67 साल की अभी महज उम्र थी, कोई बड़ी उम्र नहीं थी, और इस छोटी सी उम्र में उनका यूं चले जाना जो है वो वाकई में बहुत, अब एक तरह से बहुत बड़ी क्षति है कांग्रेस के लिए भी। और कांग्रेस में जब वीरभद्र की सरकार हुआ करती थी तो उस दौरान जो है वो मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर के मंत्री जो है वो माने जाते थे कुसुम, और उनका एक अपना जो है वो कद था। जब वो राजनीति में आए थे कुसुम, राजनीति में आने से पहले जो उनकी ओर से अपने ही स्तर पर जो है वो कई ऐसे समाज सुधारक काम जो वो किए गए, उनकी ओर से बाकायदा एक जो है हिमाचल प्रदेश में एक सभा बनाई गई थी, नागरिक समाज सुधार सभा बनाई गई थी। तो एक इस तरह की उन्होंने बहुत ऐसे कई काम किए। यही वजह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को झटका लगा है, हिमाचल की सियासत को झटका लगा है, क्योंकि वीरभद्र सिंह के बाद अब जीएस बाली का निधन हो गया है। एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।